हेलो यार, तो कैसे हो आप? स्वागत है आपका एक और न्यू गेम प्ले की वीडियो में। तो गाइस आज अपन फिर से खेलेंगे एविल नन। एविल नन के लास्ट एपिसोड्स में आपने देखा होगा कि अपन ने 3 मास्क के पीसेस कलेक्ट कर लिए थे और अब इस वीडियो में अपन 4th मास्क का पीस कलेक्ट करेंगे। तो यार वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और धमाकेदार होने वाली है, तो यार वीडियो को एंड तक देखते रहना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेम ऑन। तो गाइज अपना गेम स्टार्ट हो चुका है और सबसे पहले अपन को इस गेम में ग्रेल ढूंढना है ताकि अपन ग्रेल को उसकी सही जगह पर प्लेस कर सके और एक नया टास्क ले सके जिससे कि अपन को एक मास्क का पीस मिल सके। तो एक काम करता हूँ, मैं सबसे पहले ग्रेल को फर्स्ट फ्लोर पर ढूंढता हूँ क्योंकि यार यूजुअली वो फर्स्ट फ्लोर पर ही पाया जाता है। तो अपन जल्दी जल्दी से फर्स्ट फ्लोर पर देखते हैं, अगर वो वहाँ पर नहीं होगा ना तो अपन को नीचे ही आना ही पड़ेगा। यार क्या कर सकते हैं। तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर ये जो डोर्स है ना यहाँ पर इसको मैं चेक कर लेता हूँ इन डोर्स के अंदर कैबिनेट्स के अंदर। फिलहाल यहाँ पर तो कुछ भी नहीं मिला और ग्रेल की आवाज़ अपन को अलग से आ जाती है अगर यहाँ पर वो रखा रहता है तो। वैसे यहाँ पर ये है नहीं, तो एक काम करता हूँ मैं यहाँ पर चलता हूँ और यहाँ पर भी ग्रेल मुझे दिख नहीं रहा है। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर जो ड्रॉर्स है ना उसमें से स्मॉल केबल को उठाता हूँ और इलेक्ट्रिसिटी पैनल में लगा देता हूँ ताकि यहाँ की इलेक्ट्रिसिटी कम से कम आ सके। तो मुझे स्मॉल केबल मिल चुकी है और मैं फटाफट से लेकर इसको इलेक्ट्रिसिटी पैनल में लगा देता हूँ। तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर चेक भी कर लेता हूँ ताकि यहाँ पर अगर छूट जाए कुछ तो वापस से अपन को यहाँ पर आना ना पड़े। और यहाँ पर मुझे क्रोबार भी दिख चुका है तो अपन उसको लेकर नीचे चल सकते हैं। तो गाइज़ यहाँ पर पूरे स्कूल में जहाँ जहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी ना वहाँ पर अपन ने इलेक्ट्रिसिटी ला दिए और यहाँ पर फिलहाल कुछ भी नहीं है सिर्फ एक क्रोबार के अलावा। तो एक काम करता हूँ, मैं क्रोबार को लेकर नीचे जाता हूँ ताकि जहाँ भी क्रोबार का यूज़ रहता है ना वहाँ पर अपन इसको यूज़ कर सके। फिलहाल अभी तक अपन को ग्रेल मिला नहीं है तो अपनी प्रायोरिटी यही होगी कि अपन को सबसे पहले ग्रेल ढूंढना है। और भाई ये नन सुधरेगी नहीं यार, इसको पीट डालूंगा मैं इस क्रोबार से, लेकिन मैं पीट नहीं सकता हूँ, यही अपन को पीट डालेगी। एक काम करता हूँ, मैं घूम के जाता हूँ यहाँ पर और यहाँ से मैं निकल लेता हूँ। ओ भाई शिट यार, मैं पूरा इसके लिए घूम के आया और ये यहाँ पर अपना इंतज़ार कर रही थी। ऐसे थोड़ी होता है, ऐसा होता है क्या? चलो यार कोई नहीं, अपन का एक दिन अभी गया है और अपन को अभी तक ग्रेल भी नहीं मिला है। तो एक काम करता हूँ, मैं सबसे पहले इसको ग्रेल को ढूंढता हूँ। अब मेरी प्रायोरिटी ये रहेगी कि मुझे सबसे पहले ग्रेल को ढूंढना है कुछ भी करके। यार ग्रेल अपन का मिल चुका है यहाँ पर। और एक काम करता हूँ, मैं सबसे पहले सीक्रेट रूम में जाता हूँ, कुछ भी हो जाए मुझे सीक्रेट रूम तक पहुँचना है बिना नन के हाथों में लगे। तो यार मैं यहाँ पर आ चुका हूँ और सबसे पहले मैं इसको यहाँ पर प्लेस करता हूँ। और गाइस अपना टास्क अपन को मिलने वाला है बस थोड़ी सी देर में और ये ब्लू लाइन यहाँ तक जा चुकी है एंड अपना टास्क बस आ रहा है, थोड़ी देर में आ रहा है। ओके गाइस अपना टास्क आ चुका है और ये है सैटेनिक रिचुअल। और इसमें क्या होगा मुझे पता नहीं है। और सामने अपन को टीवी पे एक स्केलेटन बना हुआ दिख रहा है और अपन को एक सेफ की मिल चुकी है और इसका यूज़ कहाँ पर होगा मुझे अभी तक पता नहीं है, बट थोड़ी देर में अपन पता लगा लेंगे। और एक काम करते हैं, मैं मुझे कुछ यहाँ की जगह पता है तो अपन वहाँ पर चलते हैं और इसका यूज़ करके देखते हैं कि अपन का इसका यूज़ कहाँ पर हो। और सामने से भाई नन गई है यहाँ पर, नन गई थी ना, मुझे ऐसा लगा था कि नन गई थी। चलो कोई नहीं यार, एक काम करते हैं, मैं सबसे पहले ऊपर जाता हूँ इसको देखता हूँ यहाँ पर अगर कुछ होगा ना तो अपन को जल्दी से पता चल जाएगा। फिलहाल यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है और यहाँ पर कुछ हो सकता है क्या? यहाँ पर कुछ भी नहीं है। और एक काम करते हैं, मैं इस डोर क्लासरूम के अंदर भी चेक कर लेता हूँ। ओके गाइस तो यार यहाँ पर एक ब्लैक कलर का डोर है और शायद उसको ही पता नहीं क्या बोलते हैं, आई डोंट नो। स्केलेटन बॉडी, व्हाट इफ आई पुट समथिंग ऑन इट। अपन को यहाँ पर कुछ रखना है, इस कुछ प्लेस करना है, कुछ चीज़ें जिससे कि ये पूरा हो सके। आप क्या प्लेस कर सकते अपन पता नहीं। वैसे यहाँ पर नीचे कुछ तस्वीरें पड़ी हुई है इसकी और इसमें एक इसकी मुंडी है और इसके पंख है और इसने कुछ धोती जैसा पहना हुआ है। तो अपन को शायद ये 3 चीज़ें ही अपन को ढूंढनी है। यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर कुछ हो सकता है क्या? ये क्या है? ओके, ये है वाइट ब्लैंकेट, जो अपन को चाहिए थी वो अपन को मिल चुका है। और 3 में से अपन ने एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर प्लेस कर दिया है और अपन को 2 ऑब्जेक्ट अभी भी चाहिए। 2 ऑब्जेक्ट अपने एक अपन को मुंडी चाहिए और एक
एक अपन को पंख चाहिए। तो यार मुंडी और पंख कहाँ हो सकता है मुझे अभी तक बिल्कुल भी नहीं पता है। अपन देखते हैं यहाँ पर, अगर कहीं हो सकता है ना तो अपन फटाफट से उसको यहाँ पर ढूंढते हैं। और बस यार यहाँ पर नन्ना टपक जातू, और यहाँ पर भी वैसे मुंडी वुंडी तो कुछ मुझे दिख नहीं रही, कटी हुई मुंडी। और यहाँ पर कुछ हो सकता है क्या? यहाँ पर एक काम करते, मैं चेक भी कर लेता हूँ। वैसे मैंने यहाँ पर पहले चेक कर लिया है, तो यहाँ पर पहले भी कुछ नहीं था, तो अब कैसे आ जाएगा? तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है। एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पर कुछ हो सकता है क्या? यहाँ पर भी कुछ नहीं है फिलहाल, यहाँ पर भी कुछ नहीं है। एक काम करना पड़ेगा मुझे, अब नीचे जाना पड़ेगा, और नीचे की सारी जगह मुझे छान लेनी पड़ेगी। और अगर कुछ भी जगह छूटी ना तो यार अपन छूट नहीं पाएगा इस स्कूल से। तो एक काम करता हूँ मैं, जल्दी से नीचे जाता हूँ और बस नन यहाँ पर ना टपक जाए। यहाँ पर एक काम करता हूँ, क्रोबार को उठा लेता हूँ, और क्रोबार की जहाँ जहाँ जगह है ना, जहाँ जहाँ नेल से क्रोबार के, उसको मैं निकाल लेता हूँ। और ये यहाँ पर टपक गई नन। एक काम करता हूँ मैं पीछे से चले जाता हूँ, और यहाँ पर तो नन आ नहीं पाएगी। तो गाइज मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, और या मैं यहाँ पर आ चुका हूँ बड़ी आसानी से। यहाँ पर कुछ हो सकता है क्या? यहाँ पर एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। और भाई नन यहाँ पर ही बैठी है, मैं क्या करूँ? एक काम करूँ, मैं यहाँ पर नीचे चले जाता हूँ, अब नन यहाँ पर आ नहीं पाएगी। मैं यहाँ पर, नन आ मत जाना, तू आ मत जाना बस। यहाँ पर क्या कर रही है ये? आएगी तो नहीं ना? आई अरे अरे आ गई यार। अब मैं पिटा। शिट, अरे यार गाइस लास्ट डे, आखिरी दिन बचा गाइस, और अपन को दो चीज़ें अभी भी ढूंढनी है। एक तो इसका हेड ढूंढना है, और उसके जो पंख है ना वो ढूंढना है। तो यार वो अपन को कहाँ मिल सकता है मुझे अभी तक पता नहीं है। पूरा स्कूल अपन को छानना पड़ेगा, कुछ नहीं हो सकता। तो एक काम कर, मैं जल्दी से फटाफट से नीचे चलता हूँ, और जो क्रोबार यहाँ पर गिरा था ना उसको मैं ले जाता हूँ, और इसकी सही जगह पर इसको मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ। एक काम करता हूँ, मैं जल्दी से ऊपर चलता हूँ। बस अब यहाँ पर नन तू टपक मत जाना, नहीं तो बहुत मारूंगा तुझे। तो गाइस मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, इसकी नेल्स निकाल ले तो प्लैंक की, और अगर उस साइड कुछ होगा ना तो अपन को मिल जाएगा। भाई भगवान करे वहाँ पर इसकी मुंडी वुंडी और पंख वंख हो। और यहाँ पर क्या है? ओके गाइस, ओके मुझे यहाँ पर गोट का हेड मिल चुका है, और यही चाहिए था। और मैं इसको लेकर फटाफट से उसी कमरे में चलता हूँ। ओके गाइस, तो मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, और मैंने इसको यहाँ पर इसके सिर पर रख भी दिया है, मतलब जहाँ पर इसको रखना था। और अब सिर्फ एक ही चीज़ बची है, जो कि इसके पंख। और पंख आए मुझे पता है थोड़ा सा कि कहाँ मिल सकते हैं। एक जगह थी यहाँ पर, जो बास्केटबॉल का कोर्ट है ना उसके ऊपर एक कुछ लटका हुआ था, उसके यहाँ पर पंख थे। और हाँ मैं इसी चीज़ की बात कर रहा था, यहाँ पर थी वो, ये रही। और यहाँ पर ये रस्सी से टंगी हुई है, और इसको अपन को काटने के लिए द रोप इज़ होल्डिंग मैनिक्विन, आई कुडंट बी कट, इट कुड बी कट बाय सीजर। तो अपन को सीजर यहाँ पर फाइंड करनी पड़ेगी, जैसे कि ये कट सके। तो अब सीजर भाई कहाँ पर मिलेगी मुझे अभी बिल्कुल भी नहीं पता है। इस स्कूल में पता नहीं क्या क्या छिपा के रखा यार इन लोगों ने, पता नहीं यार। यहाँ पर एक काम कर दो, मैं चेक कर लेता हूँ, और यहाँ पर कुछ ना कुछ पड़ा होगा ना तो यार वो अपने बहुत काम में आएगा। तो यहाँ पर ये क्या है? ये है लॉकर कोड। ओके गाइस, यार मुझे पता है कि लॉकर कोड का कहाँ पर यूज़ होता है। एक नीचे जगह है बास्केटबॉल कोर्ट के साइड वाले में, कि वहाँ पर बहुत सारे लॉकर्स हैं, और उन लॉकर्स में से एक में लॉक लगा हुआ है, और उसका ही शायद ये लॉकर कोड है। तो यार मैं फटाफट से वहाँ पर चलता हूँ, और इस लॉकर कोड को वहाँ पर यूज़ करता हूँ, ताकि अगर वहाँ पर उसमें कुछ भी हो ना तो वो अपन को मिल सके। तो मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, और ओके गाइस, तो यार यहाँ पर इसका यूज़ हो भी गया, और अपन को सीजन मिल भी चुकी है। तो अपन चलते हैं फटाफट से वहाँ पर जहाँ पर रोप है, और उसको रोप को फटाफट से काट देते हैं बहुत ही आसानी से। चलो यार गाइस, मैं यहाँ पर पहुँच चुका हूँ, और इसको मैंने काट भी दिया यहाँ पर। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से शॉर्टकट से नीचे चले जाता हूँ, और बस नन यहाँ पर तू आ मत जाना, वरना मैं कुछ भी नहीं कर सकता, सच बता रहा हूँ। एक काम करते फटाफट से इसके ईगल के विंग्स उठा लेता हूँ, और भाई यहाँ पर तू आ तो नहीं रही है ना, बस आ मत जाना यहाँ पर। यहाँ पर वैसे वो मुझे दिख गई। ये सुधरेगी नहीं। एक काम करता हूँ, मुझे पूरा घूम के जाना पड़ेगा। तो अगर ये मैं यहाँ से मेरे पीछे पीछे आएगी ना, तो इसको मैं यहाँ पर फंसा दूँगा। चलो मैं यहाँ पर पहुँच चुका हूँ, और मैंने नन को भूल भुलैया में फंसा दिया है। भूल भुलैया नहीं कह सकते, बस उसको थोड़ा सा उल्टा सीधा रास्ता दिखा दिया है।
तो मैं यहाँ पर ऊपर आ चुका हूँ विंग्स को लेकर, और इस कमरे में मैं पहुँच गया। एक काम करता हूँ, मैं ये डोर को क्लोज़ कर देता हूँ ताकि यार नन यहाँ पर आ ना पाए। तो मैंने ये स्केलेटन पे ये विंग्स भी लगा दिए, और इसको एक काम करते हैं, यहाँ पर एक बटन आ रहा है यूज़ का, द स्केलेटन इज़ नाउ कम्प्लीट, इट लुक्स लाइक द डेविल। तो यार ये डेविल की तरह लग रहा है, तो यार नन इसकी पूजा कर सकती है, तो अपन को शायद नन को यहाँ पर लाना पड़ेगा ताकि वो इसकी पूजा करे और अपन भी इसका कुछ मतलब कुछ ना कुछ तो कर सके, मतलब कुछ ना कुछ तो यहाँ पर इसका यूज़ होगा। तो एक काम करता हूँ, मैं नन को ढूंढता हूँ, उसको अपने पीछे लगाता हूँ और यहाँ तक आ जाता हूँ। तो एक काम करो, नन यहाँ पर कहाँ पर है? ओके गाइस, तो यार वो सामने मिल चुकी है मुझे, और वो अपन के पीछे पीछे आ ही रही है हथौड़ा को लेकर। और इसके हथौड़ा अगर मुझे कहीं मिल गया ना, तो इसको यहाँ पर मैं ठोक दूँगा, हेडशॉट ही लगाऊंगा सीधे इसके ऊपर। तो नन यहाँ पर आ रही है, बस यहाँ पर तू आ जा, यहाँ पर से मुझे अभी वो दिख भी नहीं रही है, बस आ जा तू यहाँ पर। ओके यार, तो वो यहाँ पर आ रही है और मैं जल्दी से भाग जाऊँगा। चल यार मैं भाग रहा हूँ जल्दी से, और बस यहाँ पर आ गई क्या? ओके यार, तो वो यहाँ पर आ चुकी है। एक काम करो, तो मैं जल्दी से यहाँ पर जाता हूँ, और ओके यहाँ पर मैं छिप जाता हूँ, और नन जैसे यहाँ पर आएगी ना, तो कुछ ना कुछ तो होने वाला पक्का, कुछ ना कुछ तो वो करेगी। और बस नन यहाँ पर आ जा, आ जा। कहाँ पर है यार, कहाँ पर है? ओके, तो यार वो यहाँ पर आ चुकी है, और अभी क्या कर रही है? द नन विल बी प्रेइंग फॉर 30 seconds। तो नन 30 seconds के लिए प्रे कर रही है। यार ये प्रे क्या कर रही है? और मैसेज ही है कुछ, कुछ मैसेज में क्या कुछ कोड लिखा है? ओके यार, मुझे मैंने कोड को याद कर लिया है, और ये कोड मुझे पता है कहाँ पर यूज़ होगा, मुझे पता है। अपन जैसे ही नीचे जाते हैं ना, तो एक साइड में रूम है, और वो रूम के मतलब बिल्कुल कोने में एक रूम है, उस कोने वाले रूम में ये कोड को यूज़ होगा। एक पता नहीं कैसा अजीब सा रूम है, उसके बाहर कोड लिखा हुआ है। तो वो रूम, ओके यार, तो वो रूम ये रहा, 3 2 8 5, ये वाला कोड था। और खुल जा भाई, वो क्या रहते हो, खुल चुका है, और मास्क का पीस मुझे मिल चुका है। और मैं फटाफट से जाता हूँ, कहाँ पर है मेरा रूम, कहाँ पर है, कहाँ पर है? ओके यार, तो मुझे यहाँ पर मिल चुका है मेरा रूम, और फट से मैं यहाँ अंदर जाता हूँ। एक काम करो, जल्दी से डोर को लॉक कर देता हूँ ताकि मैं यहाँ पर आ ना पाए, अगर चांसेस भी हो ना तो वो यहाँ पर आ नहीं पाएगी। तो एक काम करता हूँ, मैं फटाफट से ये जो मास्क का पीस है ना, उसको यहाँ पर लगा देता हूँ। भाई लग जा कहाँ पर। ओके यार, तो अपना ये वाला चैप्टर द सैटेनिक रिचुअल कंप्लीट हो चुका है। भाई कैसा लगा आपको, कमेंट करके ज़रूर बताना। बहुत ही मुझे तो यार बहुत ही मज़ा आया। तो यार वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, गुड बाय।